The state of Madhya Pradesh is known for a lot of things. Tourism, temples, but football? The next episode of Kalpanth Split Screens features Moinuddin Khan, a star midfielder who plays for Punjab FC and arguably the most famous player to come out of Madhya Pradesh in the recent times. Hi Moin, kaise ho? How is it going with coronavirus and all that? All good. Sab theek chal raha hai. Abhi kaha hai? Madhya Pradesh mein hai ya Punjab mein? घर हूँ अभी मध्य प्रदेश में. मैं आया कम से कम 40 डेज से ज्यादा हो गया है. मैं आया जब से घर से नहीं निकला हूँ, बाहर गया ही नहीं हूँ क्योंकि इधर पूरा लॉकडाउन है तो उसके कारण जाने भी नहीं दे रहे और मैं जा भी नहीं रहा हूँ. मैं क्यों रिस्क लूंगा इसीलिए तो घर पे ही थोड़ा वर्कआउट करता हूँ मैं. एक वन थिंग दैट लॉट ऑफ पीपल डोंट नो इज द फैक्ट दैट मोइन इज फ्रॉम मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का फुटबॉल इतना मतलब कोई सुना ही नहीं कि मध्य प्रदेश में फुटबॉल है या मध्य प्रदेश में फुटबॉल कल्चर है. तो आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हो गया? हाउ डिड यू गेट इनटू फुटबॉल एंड नॉट क्रिकेट और एनी अदर स्पोर्ट? मैं जब जब छोटा था और खेलता था फुटबॉल उस टाइम पे मैं सिर्फ खेलता था. मैं सिर्फ मैं स्टेप बाय स्टेप सोचता था कि मुझे नेशनल खेलना है, मैं नेशनल खेलना चाहता हूँ और ज्यादा से ज्यादा मैं सोचता था कि मैं संतोष ट्रॉफी खेल लूंगा. फिर उसके बाद में जैसे जैसे मैंने एक दो नेशनल खेले तो मुझे समझ में आया थोड़ा बहुत कि नहीं फुटबॉल कहाँ तक है. तो उसके बाद जब मैं नेशनल खेलने गया तो मेरा होप और बढ़ता गया कि नहीं मेरे को और आगे जाना चाहिए क्योंकि हम लोग मतलब उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि प्लेटफॉर्म है आगे भी. क्योंकि जब मैं अपने विलेज में रहता मैं इतना सोचता था कि आगे प्लेटफॉर्म नहीं है, जस्ट इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं. तो बाद में मुझे पता चला कि आगे भी प्लेटफॉर्म है, मुझे जाना चाहिए. तो मैं जब नेशनल खेलने गया तो मैं अपना 100% दिया. मुझे इंडिया टीम से कॉल आया अंडर 13 के लिए. उसके बाद से फिर मेरा लाइफ चेंज हो गया. उसके बाद से जो भी मैं सोचता था वो मतलब पूरा अलग होता था. मेरे को इंडिया सीनियर इंडिया टीम में खेलना है और क्लब खेलना है, ये सब सोचता था मैं मतलब उस टाइम. फिर ये नहीं सोचता था कि मुझे संतोष ट्रॉफी खेलना है या फिर ये सब कुछ खेलना है. इंडियन जूनियर कैरियर के बारे में? इंडियन जूनियर में इंडिया टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ बहुत सरप्राइज था मेरे लिए क्योंकि तो उस हिसाब से जब उस टाइम मेरा नाम आया तो कॉलिन सर के अंडर में खेला अंडर 13 में. तो उस टाइम पे मैं बहुत कुछ सीखा उस टाइम पे मतलब गेम में जाके क्योंकि कॉलिन सर एक ऐसे कोच है जो इंडियन फुटबॉल में जितने प्लेयर हैं बहुत से प्लेयरों ने कॉलिन सर के अंडर में ट्रेनिंग लिया है और वो सब यही बोलेंगे कॉलिन सर बेस्ट. तो सर से बहुत कुछ सीखा है मैंने और उसके बाद में साथ में जो प्लेयर थे जो कोचेस थे इंडियन कोचेस थे और जो प्लेयर थे वो पहले से ऑलरेडी इंडिया खेल चुके थे और जो नए नए आए थे तो सब नॉर्थ ईस्ट कोई कोलकाता से था कोई नॉर्थ ईस्ट से था कोई मणिपुर से ये सब. तो उन लोग से बहुत कुछ सीखने मिला था क्योंकि वो लोग इस कल्चर में है और फुटबॉल को मेरे से ज्यादा जानते. तो बहुत कुछ सीखने मिला. और मैं सुना है कि आपका जो अंडर 19 के बाद एक गैप आया था कि कुछ मतलब प्रोफेशनल टीम में आपको चांस नहीं मिला तो उस टाइम पे कुछ प्रेशर था कि वर यू इन डाउट दैट मैं मध्य प्रदेश से हूँ इसलिए बहुत कुछ था उस टाइम तो दिमाग में. बट मैं इंडिया टीम से निकलने के बाद कभी ऐसा सोचा नहीं था. मैं जितना भी 3-4 साल में कम से कम 4-5 साल IIFF अकेडमी में था उससे पहले कैंप में था तो मैंने ये सब सालों में इतना कभी नहीं सोचा था कि लास्ट में एंड हम लोग का इतना खराब हो. मैंने सोचा था मैं इंडिया टीम में खेल रहा हूँ और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा. तो मैंने इतना वो नहीं सोचा था कि ऐसा मोमेंट भी आएगा बट वो आ गया मोमेंट. तो उसको हैंडल करना था तो उस टाइम पे मैं एकेडमी से निकला था तो मुझे इतना वो नहीं था कि क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था कुछ. तो उसके बाद ही फिर मैं इधर टूर्नामेंट खेलता रहा एक साल 8 महीने से इधर सीजन चल रहा था
जो कोल्ड वेदर में जो सीजन स्टार्ट होता है टूर्नामेंट ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स होते हैं वो सब खेलता रहा और मैं ट्राई भी कर रहा था कि लाइक मुझे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं ट्रायल देने जाऊं तो उस हिसाब से फिर उसी टाइम में मिनरवा में ट्रायल देने के लिए तो उसके बाद जब मैंने यहाँ पर मिनरवा में ट्रायल दिया उस टाइम भी मतलब ये लोग ने मुझे मना कर दिया था लाइक वन मंथ में ऐसा ट्रायल दिया उधर फिर भी बोला था कि लाइक प्लेयर बहुत अच्छे हो बट प्रॉब्लम ये कि हमारे प्लेयर पूरे हो गए हैं और रजिस्ट्रेशन हो गया था डेट खत्म हो गया था तो उन्होंने बोला ठीक है हम नेक्स्ट टाइम आपको मीटिंग करेंगे फिर मैं वापस घर गया फिर वही चालू हो गया था लाइक टूर्नामेंट खेलना क्योंकि और कोई कॉन्टेक्ट नहीं था मेरे पास जितना भी था मैं 100% ट्राई कर रहा था कि कुछ ना कुछ हो जाए बट फिर एक दिन रंजीत सर का ही कॉल आया मुझे ऐसी चीज के लिए कि आप इधर आओ और साइन करो यहाँ पर आके तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बुलाया था जब हम लोग टोरंटो खेले थे तो टोरंटो के टाइम हम लोग मैं गया उधर साइन किया मैंने टोरंटो खेला उसके बाद आई लीग में आ गया मिनर्वा उस टाइम फिर मैं आई लीग में आ गया था आई लीग में फिर रजिस्टर हुआ आई लीग में रजिस्टर होने के बाद फिर वेट किया प्लेइंग चांस का वेट वो साल लाइक मेरे लिए वो साल भी बहुत अजीब था लाइक सरप्राइज था मेरे लिए कि मैं वेटिंग करता रहा पूरा सीजन बट प्लेयर बहुत अच्छे अच्छे थे हमारी टीम में लाइक सभी कोई प्लेयर मतलब लाइक बड़े बड़े क्लब में ISL खेल रहा है कोई आई लीग में खेल रहा है कोई इंडिया टीम में भी खेल रहा है ऐसे ऐसे प्लेयर थे हमारा थापा हम लोग के साथ खेल रहा था उस टाइम पे तो ऐसे ऐसे प्लेयर थे थापा बहुत कोई कमलजीत कमलप्रीत विनीत राय ये मतलब गुरसिंदर सिंह तो ये लोग सब प्लेयर हम लोग के साथ खेल रहे थे तो उस टाइम भी मेरे को थोड़ा वो नहीं था मैं बहुत कुछ सीख रहा था एकेडमी लाइफ में तो मैं बहुत कुछ सीख रहा था कि मुझे बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं सीनियर प्लेयरों के अंडर में रह के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं सिर्फ ट्रेनिंग करूँ और मैचेस खेलूँ ना खेलूँ क्योंकि आगे टाइम है मेरे पास तो उस टाइम भी फिर मैंने वेट करता रहा बट लास्ट में लाइक कोई होप नहीं बचा था कि मेरे को चांस मिलेगा क्योंकि टीम हमारा जैसा परफॉर्म कर रहा था उस हिसाब से सब अच्छा चल रहा था तो उस टाइम भी सडनली हम लोग के पास जो लेफ्ट बैक था उसको येलो कार्ड हो गया था फोर्थ और सुरिंदर सर ने रंजीत सर को बोला कि मोइन को लेफ्ट बैक खिलाना चाहिए हमको क्योंकि वो इंडिया टीम में 13-14-16 तक वो लेफ्ट बैक खेला है राइट बैक खेला है तो उन्होंने मुझे देखा था खेलते हुए इसके कारण उन्होंने ऐसा बोला तो सर ने बोला ठीक है हम लोग इसको चांस देते हैं तो सर ने होम मैच में आइजोल के अगेंस्ट मुझे चांस दिया था मेरा डब्ल्यू मैच था और वो मैच मेरे लिए लाइक बहुत बड़ा मैच था क्योंकि लाइफ का फर्स्ट डब्ल्यू मैच इन द आई लीग तो बहुत बड़ा मैच था लाइक मैं रात में 3 बजे तक सोया नहीं था रात में 3 बजे तक सो नहीं पाया था मैं सोच के कि यार मैं खेलने वाला फिर उसके बाद में खेला मैंने वो मैच बहुत अच्छा खेला और मेरे को ये लगा कि आई लीग में मेरे लिए सबसे बड़ा मैच है मुझे 100% देना है मैंने अपना 100% दिया और वो मैच में मैंने एक असिस्ट किया था और डब्ल्यू मैच में मेरे लिए मेरा असिस्ट था तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और उसी के बाद मैंने सडनली जाके सर को थैंक यू बोला कि आपने मुझे चांस दिया तो उसके बाद मतलब लाइक 5 मैच बचे थे और वो 5 मैच मैंने पूरे पूरे खेले और वो 5 मैच जो मैंने टीमों के अगेंस्ट खेले वो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और बहुत कुछ सीखा मैं वो मैचेस लाइक चेन्नई आइजोल मोहन बगान ईस्ट बंगाल एंड सब मैच में आपने लेफ्ट बैक खेला हाँ लेफ्ट बैक राइट बैक दोनों खेला मैं लाइक सेकेंड मैच में फिर लेफ्ट बैक खेला फिर थर्ड मैच मोहन बगान के साथ में राइट बैक खेला सोनी नोएडा के अगेंस्ट खेला बहुत मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था बड़ा कि सोनी नोएडा के सामने मैं डिफेंड कर रहा हूँ और वो उस टाइम पे मोहन बगान का टीम लाइक जेजू भाई बलवंत भाई का सुमी पूरा मतलब भरा हुआ था काफी अटैकिंग भाई तो उस टीम के सामने उस टीम के अगेंस्ट में खेल रहा था मेरे को बहुत
अच्छा लग रहा था, तो बहुत कुछ सीखा। उसके बाद भी मैंने फिर इस बंगाल का टीम भी उस टाइम पे बहुत, रोविंद सिंह भाई, रोमियो भाई, विकास हेरू भाई, सुभाषिस भाई, सब लोग खेल रहे थे, तो उनके अगेंस्ट खेला, बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा था कि यार मैं ये लेवल में खेल रहा हूँ, अभी आगे इंशाल्लाह अच्छा कुछ होगा। और तो ये सब मैंने मैचेस, ये जो आपका मिनर्वस फेवरेट सीजन इज द सीजन विच दे वन द टाइटल, राइट, वो सीजन के बारे में, और आपका भी, आप अभी बोल रहे हैं कि फुलबैक से स्टार्ट किया, आपका रोल थोड़ा चेंज हो गया, मिडफील्ड में आ गया, वो ट्रांजिशन कैसा? ट्रांजिशन मतलब सर को तो पता ही था कि मैं, मतलब रंजीत सर को पता था, सुरिंदर सर को पता था कि मैं प्रॉपर अटैकिंग मिडफील्ड हूँ, तो वो लोग ने मेरे को उस टाइम तो यूज किया लाइक लेफ्ट बैक करके, और मैं भी, मुझे लाइक मैंने लाइफ में कभी एक ही चीज सीखी है कि गेम टाइम मिलना चाहिए, फुटबॉल खेलना है, पोजीशन की जरूरत नहीं है, तो मेरे लिए कोई भी पोजीशन हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस गेम टाइम चाहिए। तो उस टाइम पे वो लोग ने जो फर्स्ट सीजन में मुझे लेफ्ट बैक खिलाया, मैं सेकंड सीजन में जब मैं प्री सीजन के लिए वापस आया तो मुझे वापस मेरा पोजीशन अटैकिंग मिडफील्ड मिल गया, मतलब मैं स्टार्ट ही उधर से किया था अटैकिंग वेज, अटैकिंग मिडफील्ड, तो कभी मुझे विंगर में भी डालते थे। उस टाइम पे एक स्पेनिश कोच थे प्री सीजन के टाइम में मिनर्वा में, तो उस टाइम पे वो मुझे विंग खिलाते थे, लेफ्ट विंग खिलाते थे, और बोलते थे अंदर कट करके आ, और कभी कभी अटैकिंग मिडफील्ड भी खिलाते थे, तो उस टाइम में मैंने स्टार्ट ही उस चीज से किया था। और वो जो सीजन, I mean, was it expected Minerva winning a title? हम लोग का जो प्रीसीजन हुआ था, वो प्रीसीजन हम लोग के लिए बहुत बेस्ट चीज था, हम लोग ने प्रीसीजन में बहुत कुछ सीखा था, और हम लोग ने ये सीखा था कि लाइक प्रीसीजन में प्रॉपर प्रीसीजन कैसे किया जाता है, लाइक स्लोली स्लोली जो आप स्टेप बाय स्टेप गए थे, उस टाइम हम लोग का कोच बहुत अच्छा था, तो उस हिसाब से हम लोग ने प्रीसीजन किया। उसके बाद में पंजाब लीग में हम लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद में आई लीग में आए, तो आई लीग में हम लोग सडनली आके हम लोग को बहुत सारा होप था कि हम बहुत अच्छा करने वाले हैं, बट जो मतलब वो जो फर्स्ट मैच से जो हम लोग को मोटिवेशन मिला है ना, लाइक हम लोग 1-0 हार रहे थे, और उसके बाद में सडनली मैं 3 आया और मैंने गोल कर दिया, मोहन बगान के अगेंस्ट होम मैच था, तो उसके बाद में जब गोल करने के बाद में जो हम लोग का सेलिब्रेशन था, उससे पता लग रहा था कि हम लोग कितना चाहते थे ये मैच जीतना या फिर ड्रॉ करना, तो फर्स्ट मैच हमने ड्रॉ किया तो उससे हम लोग का बहुत होप बढ़ गया था, और बहुत कुछ लाइक हम लोग ने ऐसा लग रहा था कि ये मैच अचीव किया, हम लोग जीत गए ऐसा लग रहा था। उसके बाद में फिर स्लोली स्लोली लाइक नेक्स्ट मैच आया, नेक्स्ट मैच फिर हम लोग ने फिर प्रिपेयर करके आए, हम लोग 100% हम लोग ने मैच जीता, उसके बाद में अवे मैच एरोस के साथ हमने जीता, तो ऐसे करके हम लोग मतलब 3-4 मैच जब कंटिन्यू हमने जीत लिया ना, तो हम लोग कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल में चला गया। उसके बाद में जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस की वजह से हम लोग का टीम यूनिटी तो बहुत था, तो कॉन्फिडेंस की वजह से हम लोग लाइक कोई भी टीम को इजी नहीं लेते थे, और हम सोचते थे कि ये टीम अच्छा है और बहुत अच्छा है, हम लोग उसको हराना जरूरी है, अब कैसे भी हराना है, वो अच्छा है कि बुरा है हमको हराना है, तो उस हिसाब से हम लोग हर टीम के सामने जाते थे, और हम लोग का टारगेट रहता था कि 1 या 2 गोल करना है, और हम लोग को ये मैच कैसे भी कैसे निकालना है, तो हर मैच में हम लोग ये थिंग लेके जाते थे कि हम लोग ये मैच जीत गए तो हम लोग के हाथ में टाइटल है। उस हिसाब से लाइक मिड सीजन तक हम लोग के पास इतने पॉइंट थे कि हम लोग क्लियरली 4-5 मैच जीतते और हम लोग ओपन हो जाते आई लीग चैंपियन, अनबीटन हो जाते, तो वही सोच के हम लोग लाइक सोच के जाते थे कि यार ये मैच, उस टाइम से हम लोग स्टार्ट किए थे कि ये मैच हम लोग के लिए लास्ट मैच है, ये मैच जीत गया तो हम लोग टाइटल, ये मैच जीत गया तो हम लोग टाइटल, हर मैच में हम ये सोच के जाते, तो उसके कारण मोटिवेशन मिलता था और हम लोग हर मैच जीतते थे, और वो जो मैच हम लोग लास्ट वाला जो चर्चिक के साथ जीत गए हम लोग ने, वो मतलब हम लोग ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग इतना मतलब लेवल में आ जाएंगे सभी टीमों के, कि लास्ट मैच तक डिसाइड होगा, और वो मैच भी लास्ट मैच तक डिसाइड हुआ, और हम लोग जब चर्चिल के साथ जीते तो लाइक रंजीत सर वाज क्राइंग, एवरीवन लाइक सब लोग रो रहे थे, क्योंकि सभी के लिए वो 3-4 प्लेयर
होंगे जिनके लिए सेकंड आई लीग या थर्ड आई लीग था, बाकी हमारे लिए फर्स्ट आई लीग था, हम लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था वो, बहुत ही बड़ा। लाइक आई लीग मतलब इंडिया में बहुत कुछ है ना। आपका ये ओरिजिनल फुटबॉल कोचिंग कहाँ से मिला? अभी मध्य प्रदेश में आपका कोई कोच था या नहीं? क्योंकि मैं यही पूछ रहा हूँ क्योंकि आप दोनों फीट में काफी कंफर्टेबल है, लेफ्ट में भी खेलता है, राइट में भी खेलता है, तो मतलब इनिशियल इयर्स में भी आपको सही ट्रेनिंग मिला है। जब मैं लाइक छोटा था तो मैं छोटा था उस टाइम पे मैं मुझे ट्रेनिंग देते थे मेरा कोच साहब मोहम्मद हारून खान का नाम है, जो यहीं पर मतलब हमारे विलेज में फुटबॉल सिखाते हैं और यहाँ का फुटबॉल पूरा उन्होंने ही रखा है, तो वो मुझे सिखाते थे और बहुत से प्लेयरों को सिखाते थे। लाइक हम लोग यहाँ से कोई प्लेयर निकला नहीं है, तो वो निकला इसीलिए नहीं है क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि आगे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है सबको, इसी के कारण वो आगे नहीं बढ़ते हैं। और आजकल आपको पता ही पढ़ाई का इतना क्रेज है, तो कोई भी पेरेंट्स स्पोर्ट्स में डालना नहीं चाहते, तो हम लोग के इधर ऐसा है। बट मैं ट्राई करता हूँ, लाइक अभी मैं बीच में लाइव जाना स्टार्ट हुआ था और ट्राई करता था कि सब फुटबॉल खेलो, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वेट करो, अपॉर्चुनिटी छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता है और प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप लोग ट्राई करो। यहाँ पर क्या है कि बहुत लाइक एमपी में ऐसा है कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं लाइक जॉब चाहिए मुझे, तो संतोष ट्रॉफी खेल बस, इतना खेल उतना खेल बस। तो मुझे भी लाइक बुरा लगता है कि यार सभी स्टेट से इतने इतने ज्यादा प्लेयर आ रहे हैं और एमपी से कोई आ नहीं रहा है, तो मेरे को भी बहुत वो होता है। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बहुत प्लेयर निकले और यहाँ से जो मैंने फुटबॉल सीखा है, लाइक मैं बचपन में जितना कोच साहब जितना चीज मुझे राइट पैर से कराते थे उतना ही लेफ्ट से भी कराते, और वो एक ही बात बोलते थे कि कभी एक पैर का प्लेयर रहेगा तो कोई काम का नहीं रहेगा, तो दो पैर का प्लेयर रहेगा, तेरा दोनों फीट चलेगा तो तेरे को कोई रोक नहीं सकता, तो दोनों पैर चलाएगा तो तेरे को कोई रोक नहीं सकता है, कभी तू एक ही पैर से खेलेगा तो कोई भी तेरे को इजीली पकड़ सकता है, तो ये चीज मेरे माइंड में उन्होंने डाल रखी। तो मैं भी हमेशा यही सोचता था, तो मैं 10 शॉट राइट से मारता था तो मैं 12 शॉट या 15 शॉट में लेफ्ट से मारता था क्योंकि मुझे लेफ्ट को इम्प्रूव, तो उस हिसाब से मैं दोनों दोनों पैरों से वर्कआउट ड्रिबल करता था, तो लेफ्ट से ज्यादा करता था, राइट से उतना करता था, तो उस हिसाब से आज इसी सिचुएशन है कि मैं राइट से ज्यादा करता हूँ, लेफ्ट से कम करता हूँ। वो 19 के बाद आपको एक गैप आया था, उस टाइम पे आपको टीम नहीं मिला, उस टाइम में कुछ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कुछ सपोर्ट दिया आपको, कुछ काउंसलिंग, कुछ मेंटल हेल्थ का ऐसा कुछ था क्या उस टाइम पे? नहीं तो आप सिर्फ अकेले थे? और नहीं, मैं अकेला ही था, डिप्रेस था क्योंकि बहुत कुछ चलता था दिमाग में कि एक लेवल पे जाके और मैं वो वापस घर आ गया हूँ और मैं अभी कुछ मिल नहीं रहा है मेरे को, तो मैं ऐसा फील होता था कि लाइक पहले वाला फील होता था जैसा मैं पहले घर में था, और उस टाइम में करंटली लाइक अंडर 19 चैंपियन था आई लीग, तो उस हिसाब से लाइक मुझे बहुत डिप्रेशन में था, बट फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया कि तू टेंशन मत ले, हम दुआ कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तेरे को मिलेगा, टेंशन मत ले, हम प्रेयर कर रहे हैं, तुझे मिलेगा, तू मेहनत करते रहो बस, ऐसा। तो वो लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम में, मेरा फैमिली ऐसा था जितना मुझे उन लोगों ने सपोर्ट किया, नहीं तो मैं गिव अप कर देता और कहीं ना कहीं जॉब ढूंढने लगता। अगर आप फुटबॉल, अगर इफ यू हैड नॉट टेकन फुटबॉल, कुछ और प्रोफेशन सोचा था उस टाइम पे? नहीं, उस टाइम पे कुछ नहीं सोचा था। प्रॉब्लम क्या है ना कि लाइक हम लोग का एक फैमिली जैसा है कि हम लोग का एक गैरेज है जिसमें हम लोग गाड़ियों का काम करते थे, तो उस टाइम पे मैं भी वहीं करता था, हेल्प करता था पापा की और भाइयों की हेल्प करता था, तो उस टाइम पे मैं वही सब करता था, स्कूल जाता था सुबह, प्रैक्टिस करता था, वहीं से स्कूल चला जाता था वही कपड़ों में, तो उस हिसाब से सिचुएशन था। उसके बाद दोपहर में आके खाना खा के दुकान भी गैरेज जाना पड़ता था, फिर वहाँ से प्रैक्टिस भी आना पड़ता था, तो उस हिसाब से मुझे सब मैनेज करना पड़ता था क्योंकि उस टाइम पे मैं इतना वो नहीं सोच सकता था, तो उस हिसाब से मैंने फुटबॉल सीखा है, तो बहुत खराब स्थिति में मैंने फुटबॉल सीखा है, तो ऐसा कुछ नहीं था। सब बोलता है मोइन सबसे बड़ा प्रैंकस्टर है,
हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ प्रैंक करते रहेगा. हाउ डू यू टर्न आउट बी दिस वे? लाइक मेरा ऐसा है कि मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, और जब भी कहीं जोक आता है तो बोल लेता हूँ बिंदास. फिर सबके साथ फ्री रहता हूँ, सबके साथ एक जैसा रहता हूँ. ऐसा नहीं कि लाइक आपके साथ अलग से कुछ स्माइल करके रह रहा हूँ, किसी और के साथ मुंह लाके, ऐसा कुछ नहीं है. सबके साथ एक जैसा रहता हूँ, सबके साथ हंसता हूँ, सबके साथ मजाक करता हूँ. और मुझे अच्छा लगता है स्माइल करना, मुझे अच्छा लगता है खुश रहना, सबके साथ हंसी मजाक करना मुझे अच्छा लगता है. तो मैं वैसा ही रहता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इसको चेंज करना चाहिए या फिर कुछ सीरियस रहना चाहिए. मध्य प्रदेश में फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए स्कोप है, मतलब प्लेयर्स है, पर वो उनका एम ही संतोष ट्रॉफी है, उसके ऊपर कुछ सोच नहीं है. तो क्या करना चाहिए, मतलब ये डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर है ना प्लेयर बहुत अच्छे अच्छे हैं. मैंने जहाँ तक मतलब मध्य प्रदेश में फुटबॉल में प्लेयर लोग तो देखे हैं, अभी तो बहुत साल हो गए, लाइक 4-5 साल हो गए मैंने मध्य प्रदेश का फुटबॉल ही नहीं देखा है. पर मैं जहाँ तक जानता हूँ यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, बट उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है, कोई क्रेज क्रेज नहीं कर रहा है, इनक्रेज नहीं कर रहा है कि तुम ऊपर जा सकते हो या फिर चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ. तो यहाँ पर सब ऐसा ही चल रहा है, लाइक स्कूलों में डाल देते हैं बच्चों को, तो स्कूलों में फुटबॉल सिखा दिया या कोई गेम सिखा दिया, खत्म. कोई क्लब है जो विलेज में क्लब रहते हैं, वहां पर गए, शाम को प्रैक्टिस किया, अपना आराम से टाइम पास किया घर जाके. सो मतलब यहाँ पर पीपल लाइक कुछ पीपल ऐसे हैं जो थकने के लिए फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई ऐसे हैं जो स्कूल के लाइक पढ़ाई के हिसाब से खेलते हैं. बट प्लेयर बहुत अच्छे अच्छे हैं, और मेरे यहाँ पर इतने प्लेयर हैं, मैं इंकरेज करता हूँ कि आप लोग को ये करना चाहिए, आप लोग को पर जाना चाहिए, या मैं ट्राई करता हूँ कि चलो वहां पर ट्रायल के लिए चले जाओ. और कोई प्लेयर आगे आके मेरे को पूछता है तो मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, मैं कहीं ना कुछ अच्छा सजेशन दूंगा उसको, या फिर कुछ ना कुछ मैं बोलूंगा कि ठीक है कोई ट्रायल आएगा तो मैं बताता हूँ. मुझे ऐसे भी जब भी लाइक सोशल मीडिया पे भी बहुत से मैसेज आते हैं कि एकेडमी के लिए ट्रायल के लिए, क्लब के लिए ट्रायल के, तो मैं किसी में से रिप्लाई नहीं करता, इग्नोर नहीं करता हूँ. मैं सबको रिप्लाई देता हूँ कि ठीक है कोई ट्रायल होगा तो मैं बताता हूँ, और मैं बता देता हूँ लोगों को कि यहाँ पर ट्रायल है, आप लोग जाके ट्रायल दे सकते हैं. ऐसा ऐसा बहुत मेरे पास ऐसा होता है, और मैं ऐसे भी लाइक सेकंड डिवीजन के लिए भी बहुत प्लेयर ही भेजता हूँ. मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर से एमपी से ज्यादा प्लेयर निकले. प्रॉब्लम यहाँ पर एसोसिएशन है, यहाँ पर एसोसिएशन का जो बहुत प्रॉब्लम है कि एसोसिएशन ऐसा है कि बहुत से प्लेयरों के साथ, मतलब बहुत से प्लेयर और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं उनके साथ में बनता नहीं है, या फिर प्लेयरों के साथ बनता नहीं है. तो ये सब मतलब कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा इस चीज में है. तो जब तक एसोसिएशन चेंज नहीं होगा, या एसोसिएशन कुछ अपने आप को चेंज नहीं करेगा, यहाँ के प्लेयर निकलना बहुत मुश्किल है. देख जब फर्स्ट टाइम मेरा इंडिया गेम में नाम आया था, तो उस टाइम पे भी एसोसिएशन वालों ने बहुत थोड़ा बहुत लाइक प्रॉब्लम क्रिएट किया था, और मुझे इंडिया टीम गेम में नहीं भेजा. सेकंड टाइम में फिर मैं नेशनल खेला, उस टाइम पे मेरा नाम. तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट मैं चाहता हूँ, और मैं ज्यादा से ज्यादा लाइक सोशल मीडिया पे भी मैं कुछ ना कुछ लाइव जाता हूँ, तो मैं ज्यादातर बात मैं यहाँ की ही करता हूँ. और मैं ज्यादा से ज्यादा प्लेयरों को इनकरेज करता हूँ, वो हार के हो या फिर मेरे स्टेट के हो या कोई अदर स्टेट के, मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ कि खेलो, अपॉर्चुनिटी मिलेगा. और कुछ कुछ बोलते लाइक हमको अब बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो मैं कोई लोग को यही बोलता हूँ कि अपॉर्चुनिटी बड़ा हो या छोटा हो फर्क नहीं पड़ता है, आप छोटा अपॉर्चुनिटी में अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको बड़ा मिलेगा. तो उस हिसाब से आपको स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है. तो आपको बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्क करना छोड़ दो या फुटबॉल छोड़ दो, ये गलत बात है. आपका क्वालिटी है फुटबॉल में, तो आप उसको हार्डवर्क करते रहो, आप उसको प्रैक्टिस करते रहो, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा. वो छोटा मिले, छोटे परफॉर्म करो. मोइनुद्दीन इज एन एस्टेब्लिश प्लेयर नाउ, अभी आई लीग जीता है, आई लीग खेला है, आपका नेक्स्ट गोल क्या है? नेक्स्ट गोल तो यही है कि मेरा
एक ही चीज है कि मुझे सीनियर इंडिया टीम में खेलना है, बस मेरा यही टारगेट है। मैं आई लीग में खेलूं या आईएसएल में खेलूं, मेरे लिए दोनों सेम है। आई लीग भी सेम है, आईएसएल भी सेम है, दोनों इंडिया का टॉप लीग है और दोनों टॉप रहेगा। वो आई लीग को मैं खेलूँ या आईएसएल में खेलूं, दोनों सेम है मेरे लिए। और मुझे सिर्फ ये टारगेट है कि मैं दोनों जगह किधर भी खेलूं मुझे परफॉर्म करना है, मुझे अपना 100% देना है और मुझे इंडिया टीम में आना है। That's great, Moin. I think we'll wind up the interview now. Thank you so much for talking to us, taking your time out and explaining what is happening. We'll actually have an interview when you make it to the Indian national team. So that will be a proud moment for us as well. Inshallah, inshallah.